हमें पता है आज बाबा साहब का मिशन और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वो लोग जो भारतीय संविधान के माध्यम से देश के हुक्मरान बने हैं, वो लोग जो बाबा साहब के नाम पर राजनीति करके हमारे लोगों को गुलाम बना रखे हैं, वो लोग जो हमारे समाज के गद्दार और बेईमान चोर लोग देश के अंदर पार्लियामेंट में जाकर बाबा साहब कमीशन को भेज देते हैं, वही लोग जो समाज के नाम पर ठेकेदारी और देश के अंदर पार्टी सेंटर बना के बाबा साहब कमीशन को गुमराह करते हैं, उन लोगों से आगाह करते हुए मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूँ और एक आभार व्यक्त करता हूँ कि आइए आज भी समय है, आज भी समय बचा है। अगर आप समय रहते ही देश के अंदर बहुजन समाज के आंदोलन को, बाबा साहब के मिशन को, भारतीय संविधान के माध्यम से अपने महापुरुषों की क्रांति इतिहास को दोबारा स्थापित करना चाहते हैं, तो आज आपको इस देश के अंदर एक ऐसी लाइन और ऐसी लकीर खींचनी पड़ेगी जो वास्तव में मिशन पर आधारित हो, जो वास्तव में सत्य पर आधारित हो, जो त्याग और बलिदान पर आधारित हो, इस देश के अंदर देने के लिए आधारित हो। यहाँ भिखारियों की हमें जरूरत नहीं है। हम देखते हैं कि कुछ लोग देश के अंदर नेतागिरी लेके चलते हैं और कुछ ही समय में जाकर वो भटक जाते हैं या बिक जाते हैं और बाबा साहब के मिशन को कहीं ना कहीं जाके खत्म कर देते हैं। लेकिन हमें पूरा विश्वास ही नहीं, इस दिल और दिमाग के अंदर हमने एक पूरी बहुत प्रतिज्ञा ली है, एक जज्बा और एक हौसला बनाया है कि हमें इस देश के अंदर आने वाले समय में बहुत ही जल्द बाबा साहब की क्रांति को जन जन तक फैलाएंगे, इस देश के दलित वंचित शोषित लोगों को इस देश का हुक्मरान बनाएंगे और भारतीय संविधान की तरफ उंगली उठाने वाले को ईंट की ईंट भी बचाएंगे, ऐसा हम लोगों को ऐलान करते हैं, ऐसा आप लोग आश्वासन देते हैं। जो भी काम हम कर रहे हैं वो डेमोक्रेटिक तरीके से कर रहे हैं, हम संवैधानिक तरीके से यहाँ बैठे हैं। जंतर मंतर पर बात करना, अपने विचार की अभिव्यक्ति करना, भारतीय संविधान की बात करना और अपने महापुरुषों का त्याग बलिदान का गुणगान करना, ये आपका फंडामेंटल राइट है, कोई आपसे राइट छीन नहीं सकता। लेकिन दुख की बात है, जो संविधान के माध्यम से डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर और बड़े बड़े अफसर बनते हैं, वो इस घर बाबा साहब को भूलकर बीबी और बच्चे और टीवी और बीबी के होकर रह जाते हैं। इसलिए हमारा समाज और हमारा मिशन कहीं ना कहीं भटक जाता है और हमारे लोग कहीं ना कहीं दो टाइम की रोटी रोजगार के लिए, चिकित्सा के लिए मजबूर होकर दोबारा गुलाम हो जाते हैं। लेकिन हमने एलडीएफ की टीम ने और इस भाई ज्ञान ज्योति के मिशन के साथ में चौधरी सातम चौधरी जी के साथ मिलकर एक ऐसे आंदोलन की मुहिम डालनी है। हम जंतर मंतर से ऐलान करते हैं कि एलडीएफ और ज्ञान ज्योति टीम इस देश के अंदर बाबा साहब के मिशन को और देश के हुक्म इस देश के सत्ता में लाने के लिए हम किसी भी हद से गुजर जाएंगे। हमें नौकरी, बीवी, बच्चे, अपने जान की परवाह नहीं करनी है साथियों, क्योंकि आज समय कुर्बानी का है, आज समय त्याग का है, आज समय बलिदान का है। आज हमें घर परिवार, बीवी, बच्चे, नौकरी नौकरी नहीं बचानी है, आज हमें नौकरी और घर परिवार त्यागना है, आने वाले समाज को हुक्मरान बनाना है, बाबा साहब को महान बनाना है और इस देश को विश्व के अंदर सबसे महान देश बनाना है। ये याद रखना, ये देश तुम्हारा है, इस देश के हुक्मरान रहे हो तुम, देश के मूलवासी शासक रहे हो तुम। बाबा साहब ने आप लोगों को आदेश दिया है कि जाओ तुम अपनी त्योहारों पे लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान थे, तुम इस देश के शासक हो। कहां गई तुम्हारी हुक्मरानी, कहां गया तुम्हारा राज? तुम्हारा राज धोखे से छीन लिया गया है, तुम्हारे साथ धोखा हुआ है और वो धोखा बाबा साहब ने तुम्हें भारतीय संविधान के माध्यम से दोबारा से वो आदेश दिया है कि मेरे दलित समाज के लोगों, मैंने तुम्हारे लिए इस संसद के रास्ते खोल दिए हैं और जाओ तुम्हारा संसद में जाओ और इस देश के हुक्मरान बन जाओ। लेकिन क्या करें, इस देश में संसद में बैठे वाले लोग बोलते नहीं है, गूंगे बहरे हो गए हैं। आज हमारे संविधान के अंदर एक एक हमारे अधिकार को खत्म किया जा रहा है, चाहे वो रिजर्वेशन इन प्रमोशन हो, चाहे हमारे SC ST एक्ट को डाइल्यूशन हो, चाहे हमारे ऊपर किसी भी तरीके का ऐसा भेदभाव या नौकरियों में रिजर्वेशन हो, या हमारे ऊपर जस्टिस की जो कहीं पर जो अन्याय नहीं पा रहे हैं उनके साथ में जो धोखाधड़ी हो, या बराबरी के लिए यहाँ पे रिजर्वेशन के अंदर हमारा आरक्षण हो, सब चीजों को धीरे धीरे करके यहाँ पर जो सरकारी नौकरियां ही नहीं बचेंगी, तो मैं आप लोगों से पूछता हूँ रिजर्वेशन किस नाम का रह जाएगा? जब आपको न्याय नहीं मिलेगा, इस देश के अंदर हमारे बहुजन समाज के बहन बेटियों पर अत्याचार बलात्कार होता है,
उनके एफ आई आर दर्ज नहीं होती है, उनके लिए कोई कानून कार्रवाई नहीं होती है, तो संविधान कहाँ रह जाएगा? जब आपको बोलने की आजादी नहीं रहेगी तो संविधान कहाँ रह जाएगा? जब आपके लिए कोई आगे बढ़ने का मौका नहीं रहेगा तो संविधान कहाँ रह जाएगा? संविधान बचाने का मतलब ये नहीं है कि संविधान जिंदाबाद संविधान बचेगा। संविधान बचाने के लिए संविधान को जानना पड़ेगा, संविधान की धाराओं को, संविधान के उद्देश्य को समझना पड़ेगा, और उसके लिए संवैधानिक तरीके से, प्रजातांत्रिक माध्यम से आपको अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, आपको मैदान में आना पड़ेगा, आपको इस देश के अंदर एक क्रांति और आंदोलन का बीज बोना पड़ेगा, तब जाकर संविधान बचेगा। ऐसे संविधान बचने वाला नहीं है, क्योंकि संविधान से मलाई मार के लोग पार्लियामेंट में चले जाते हैं, संसद में चले जाते हैं, लेकिन वहां वो लोग जाके ऐसे ऐसे गुलाम की तरह से, ऐसे पिंजरे के तोते की तरह से बैठ जाते हैं कि उनकी जुबान को ना कोई लगता ताला लगा दिया हो या कोई उनको सांप सुन गया हो, पता नहीं कोई बोलना आता है या नहीं आता है। तो साथियों, बड़ा संकट का समय है, देश में बहुत बड़ा खतरा है, हम समझते हैं। हम पढ़े लिखे शिक्षित नौजवान होने के नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है, हमने भारतीय संविधान का गहराई से अध्ययन किया है, हमने भारतीय इतिहास और देश के कानून का अध्ययन किया है, डॉक्टर इंजीनियर लॉ होने के करने के बावजूद हमने समाज के अंदर बहुत चीजों का खुद यहाँ पे हमने अपने साथ में होते हुए अत्याचार को भी हमने झेला है, वहां से आकर आपका भाई वहां पर पहुंचा है, तो एक पीड़ा है दिल में, एक दर्द है, समाज के प्रति जागरूकता के लिए अभियान छेड़ा है। आइए इस अभियान को ओलंपिया तक ले जाए और LDF और जीवन ज्योति टीम के साथ में भारतीय संविधान को और बाबा साहब के मिशन को जन जन तक फैलाएं और आने वाले नेताओं को मिशनरी पैदा करें। ऐसे लोग संविधान में, ऐसे लोग पार्लियामेंट में, असेंबली में जाएं जो बाबा साहब के मिशन के लिए कभी झुके नहीं, कभी टिके नहीं, कभी डरे नहीं। ऐसे लोग अगर आप पार्लियामेंट में भेजते हो तो मुझे लगता है कि आपका संविधान जिंदा है, आपके महापुरुष जिंदा है। नहीं तो भैया, हमने बहुत देखे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी पार्टियां भी हैं, बड़े बड़े संगठन भी हैं, बड़े बड़े लोग यहाँ पर अपनी बड़ी बड़ी डींगे छोड़ते हैं, बड़े बड़े प्रतिस्पर्धा अपने प्रमोशन करते हैं, लेकिन हम देखते हैं सरकारों को टस से मच नहीं होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग यूनाइटेड नहीं है, क्योंकि हम लोग एक होकर संघर्ष नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोगों में जाति का इतना खतरनाक बीज बो दिया है कि हम एक जाति दूसरे जाति के बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे अंदर धार्मिक गुलामी इतनी पैदा कर दी है कि धर्म के नाम से तो हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर सकते। तो गुलामी से कम मुक्ति पाओगे भाई, आप लोगों के साथ इतनी गुलामियां हैं हम जानते हैं, आपके साथ में आर्थिक गुलामी है, आपके साथ सामाजिक गुलामी है, आपके साथ धार्मिक गुलामी है, आपके साथ में संवैधानिक और राजनीतिक गुलामी है, लेकिन फिर भी हम कह रहे हैं आज भी समय है, आज भी जिंदा रहे, अगर हो थोड़ी बहुत सांस बाकी है तो भारतीय संविधान के माध्यम से आओ इस देश के अंदर एक ऐसे आंदोलन की नींव डालें, एक ऐसी क्रांति का आगाज करें कि एक ईमानदारी नेतृत्व के साथ में, एक समर्पित और त्याग नेतृत्व के साथ में, ऐसा नेतृत्व जो वास्तव में इस देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो, ऐसा नेतृत्व जो बाबा साहब के लिए और संविधान के लिए जी जान दबाने के लिए तैयार हो, ऐसे नेतृत्व का आदमी कोई भी आपको कहीं पर भी मिलता है, हम ये नहीं कहेंगे कि वो हम है या भाई चौधरी सातम चौधरी है, हम वही ये कहेंगे कि जिस आदमी में मिशन जिंदा है उसी आदमी को कहीं पर भी आपको लगता है उसका साथ दो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे धार्मिक हो, क्योंकि अब समय हमारा आ गया है, अब आमने सामने की लड़ाई का समय आ गया है और हमें डरना नहीं है, हमें अपने उद्देश्य के प्रति एक जाबाज सिपाही की तरह मैदान में टिके रहना है, तभी जाके आके बाबा साहब का सपना और भारतीय संविधान देश के अंदर प्रभावकारी हो सकता है। ऐसे बातों से काम नहीं चलने वाला, अगर आप लोग यहाँ आके चले गए और घर जाके सो गए तो आपका सिस्टम कोई ना कोई लूट ले जाएगा, सिस्टम खत्म कर देगा। आज सब कुछ बहुत ज्यादा खतरे में चल रहा है, ये देश खतरे में चल रहा है, हम सब जानते हैं, हर चीज राजनीति होती है, हर चीज के साथ में आपको धोखे से षड्यंत्र में एक बार प्रचार करके आपके अधिकारों काट दिया जाता है, लेकिन क्या करें, आप बोले वाले लोग हैं, आप समझते नहीं है, जो भी आता है उसी के हो जाते हो। तो आइए आज से प्रण लेते हैं कि आज के बाद हम सच्चे मिशनरी, बाबा साहब के सच्चे सिपाही, भगवान बुद्ध के अनुयायी और भारतीय संविधान के एक सच्चे प्रहारी बनकर इस देश के अंदर हम अपने अपनी जान की बाजी लगा देंगे और भारतीय संविधान में बाबा साहब के उद्देश्यों को जन जन तक फैलाने के लिए, देश को महान बनाने के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ियों को दोबारा हुक्मरान बनाने के लिए, अपनी संस्कृति इतिहास को इस देश के अंदर सर्वोपरि बनाने के लिए और भारत को विश्व के अंदर महान देश बनाने के लिए, ऐसा अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप मेरे साथ जोर से आवाज लगाए और जो साथी यहाँ पर निडर होके आए हैं, जिनको डर नहीं है, भगवान बुद्ध ने कहा था कि जो आदमी डरता है वो कभी कुछ नहीं कर सकता है, इसलिए डर पहले निकाल दीजिए और डर के आगे जीत होगी। मैं आप लोगों को दावे से कहता हूँ, आज पूरा सिस्टम आपके पक्ष में है, आप सारा सिस्टम
धर्म आपके पक्ष में झुका हुआ है और संविधान आपके पक्ष में है और बाबा साहब आपके हैं, इस देश का संस्कृति आपकी है, इस देश की जनसंख्या आपकी है, इस देश के महापुरुष की क्रांति आपकी है, ये देश आपका है, इस देश के मूल निवासी आप हो, इस देश के राज्य रजवाड़े आप रहे हो। अरे जब इतनी बड़ी संस्कृति, इतना बड़ा इतिहास, ये सब कुछ आपके पक्ष में है तो आप दलित कैसे हो गए हो? मुझे समझ नहीं आता है। आप घर जाओ और सोचना कि हम दलित नहीं है, हम मूल निवासी शासक हैं, हम बहुजन समाज के शासक वर्ग के लोग हैं और देश के अंदर हम अपना हक लेके रहेंगे और आने वाले पीढ़ियों को शासक बना के रहेंगे। अगर ऐसा आप लोग अगर मेरे को विश्वास दिलाते हो, इस टीम को अगर विश्वास दिलाते हो, तो मैं अपनी बात को, वाणी को विराम देता हूं और एक बार जोरदार से एक अपने जय भीम के नायक रथ में अपनी बात को विराम दूंगा और मैं उम्मीद करूँ की जोर से आवाज आनी चाहिए। आप उधर घुमा लीजिए मीडिया को, बाबा।